दीपक, आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया हुआ लगता है। एम आई ऑडिबल एवरीवन? काइंडली कमेंट। Yes, okay, thank you. There was some network error. फिर से रिपीट करती हूँ यहाँ पे कि हमने ये क्वेश्चन लिखा था, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फोर्थ क्वेश्चन। आगे के तीन हमने देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन था 3x माइनस 3x अपॉन एक्स। अब ये वाली जो लिमिट का रूल था ये यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते कि 3x ऑलरेडी है ही, पर इसके साथ माइनस वन होना चाहिए और अपॉन एक्स होना चाहिए। अपॉन एक्स तो है ही, माइनस वन नहीं है। तो पहले तो इसको रीराइट करते हैं और फिर बाद में माइनस वन प्लस वन जो भी करना है वो सेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि पावर इसका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। देन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पे जाएगा तो टू टाइम्स हो जाएगा, मीन्स उसका स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। इसका एलसीएम 3x आएगा, वो नीचे जाएगा तो 3x और ये x है ही। नाउ इसको हम लिख सकते हैं e^2x। ये ऐसी जब टर्म हो तो ये जो पावर दोनों है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3^2x माइनस वन एज इट इज और ये भी एज इट इज। मैंने 3^2x को अलग से लिखा क्योंकि हमें ये वाला फंक्शन एक साथ चाहिए था, ये एक एक्स्ट्रा था तो उसको साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, तो देखो यहाँ पे पावर में जो होना चाहिए वो जो है वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये रूल के अकॉर्डिंग, ओके। कि ये यहाँ पे जो है पावर में वो सेम नीचे होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 2x इसको बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब ये लिखना, रिजल्ट लिखना जरूरी है। तो वो लिख दिया कि इसका आंसर 1 आया, ये 2 एज इट इज और x टेंस टू 0 है तो 3^0 होगा, ओके। अब ये आंसर क्या आएगा, तो ये 1 इंटू 2 2 और ये 3^0, तो उसका आंसर 1, तो आंसर 2, ओके। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद का नाम लिख रहे हैं। अब अगर खुद का नाम लिखने के बाद अगर मुझे कमेंट विजिबल नहीं होती और मैं अगर अटेंडेंस नहीं करती आपकी, तो फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। बाकी के जो भी स्टूडेंट्स जैसे आपको अटेंडेंस दे रहे हैं, पहले उनकी अटेंडेंस देखो कि कौन से फॉर्म में वो लोग दे रहे हैं, उसके हिसाब से खुद की अटेंडेंस दिया करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। लिमिट x टेंस टू 0, 4^2x माइनस 4^-2x अपॉन x। अब देखो ये आगे जो जैसे हमने सम किया सॉल्व, ऐसा ही ये सेम है सम। तो आप खुद से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। यस कृपाल, स्क्रीन में कहीं ना थी आवतू, ऐसा हो रहा है किसी को, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? जस्ट अ मोमेंट, ओके। एक्चुअली मैंने दूसरा यहाँ पे टैब खोल के देख रही हूँ मैं, यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है ये वीडियो।
अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो लेव करके फिर से ज्वाइन करो। ओके ओके थैंक यू। ये सम सॉल्व करो सब। और मुझे आंसर बताओ। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे एक गलती है। एवरीवन एवरीवन काइंडली फोकस। इसका आंसर वन नहीं आएगा, इसका आंसर होगा लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये ए जो यहाँ पे ए होगा वो उसका लॉग लगाएगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन नहीं होगा, इसका आंसर थ्री होगा, लॉग थ्री और यहाँ पे लॉग ए। तो ये आंसर गलत होगा। तो टू इंटू लॉग थ्री बेस ई ये आंसर होगा। ओके, तो जैसे मैंने गलती की आप मत करना कि अगर ई है तो आंसर वन होगा और ए है तो लॉग ए बेस ई आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका वन कैसे होता है ये मैं समझाती हूँ। इसका वन कैसे होगा, अगर ए है तो लॉग ए बेस ई होगा, तो ई है तो इसके हिसाब से ही आंसर क्या होगा, लॉग ई बेस ई। अब ये दोनों अगर सेम होता है तो मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर वन होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर वन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ सॉल्व दिस। आंसर बताओ फिर। Keep fast. खंजन, अटेंडेंस देने से पहले बाकी लोगों की अटेंडेंस देख लो कि कैसे दी है। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। ओके लेव इट, मैं यहां पे करती हूं सॉल्व। शॉर्ट में मैं स्टेप्स सब स्किप करके यहां पे सॉल्व कर रही हूं। ये जाएगा वन ओपन करके, क्यों, क्योंकि उसको हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है। नीचे जाएगा देन एलसीएम लेते हैं तो ऐसा आंसर आएगा। मैंने स्किप किया है, दो स्टेप स्किप किए हैं। अब इसको हम 4x लिखेंगे।
क्यों? क्योंकि ऐसा जब होता है, ये पैटर्न होती है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये 4x - 1 इसको यहाँ पे लिखो, सॉरी x को यहाँ पे लिखो और इसको अलग से लिखो, x ये वाली टर्म को. ओके, अब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4 बनाओ. 4 बनाते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. यहाँ पे भी मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है. अब इसका आंसर क्या होगा? तो a log a, ठीक है, यहाँ पे a क्या है तो 4, तो log 4 टू द बेस e. बाकी का ये 4 एज इट इज, ये 4x → 0 है तो ये 0 हो जाएगा. 4x → 0 क्या? तो वो आप रीजन लिखो. अब ये होगा, ये 4 पहले लिखते हैं, तो 4 देन log ये वाला और नीचे 4x → 0 वो 1 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आंसर होगा ऐसा, 4 × log 4. नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है एवरीवन अटेंडेंस में, सिर्फ 3DF1 लिखो और आपका एनरोलमेंट नंबर का लास्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. लिमिट एट इन्फिनिटी. ओके, लिमिट एट इन्फिनिटी मीन्स x → infinity अगर है तो लिमिट, अगर आगे हमने ऑल टाइम देखा लिमिट x → some number a या तो फिर x → 0 टाइप का. अब अगर लिमिट x → infinity और 1/x है तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करें तो 1/∞ होगा, ठीक है. 1/∞ क्या होता है? 0. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. और यहाँ पे ब्रैकेट में समझने के लिए ये रीज़न लिख दो कि 1/∞ दैट विल बी 0. सो राइट डाउन दिस. अब इसका यूज करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो एग्जाम्पल का टाइटल, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट वन, अगर ऐसा कोई फंक्शन है, देखो ये दोनों पॉलिनोमियल्स है, पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है, पहले तो यहां पे देखो कि लिमिट x → क्या दिया है. अगर लिमिट x → 0 होता तो आप क्या करते, डायरेक्टली यहां पे 0 0 रख देते, सो दैट आपको कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा था. आगे ये इस टाइप के हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देख लिए थे जो लिमिट के बेसिक वाले थे. तो वो ओके, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी लगाते हैं डायरेक्टली, तो ये 15 × ∞ - something दैट विल बी इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस माइनस करो, कोई फाइनाइट नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहता है. सिमिलरली यहाँ पे भी समथिंग इंटू इन्फिनिटी दैट विल बी इन्फिनिटी, माइनस वन वो भी इन्फिनिटी होगा. तो इसका आंसर ∞/∞ हो रहा है. आगे जो 0/0 हो रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता. सिमिलरली यहाँ पे भी ∞/∞ का भी कोई आंसर हमें नहीं मिलता, ठीक है, इसका कोई फाइनाइट नंबर आंसर नहीं मिलता. इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब देखो आगे हमने ये रूल लिखा है कि लिमिट x → ∞ है और 1/x है, 1/x, तो उसका आंसर 0 आएगा, मीन्स कुछ फाइनाइट नंबर मिल रहा है. तो इसको 1/x के फॉर्म में कुछ भी सेट करो, ठीक है. तो पहले क्या आपको ऑब्जर्व करना है, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट टर्म x की, x का पावर कौन सा है, तो x रेस टू 1.
सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का, तो वन, मीन्स कि वन पावर है वो हाईएस्ट है एक्स का, जो भी पावर है उसका उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो हाईएस्ट पावर एक्स का कौन सा है, तो वन ही, तो उससे डिवाइड करो, मीन्स वन अपॉन एक्स से डिवाइड करो। अब देखो वन अपॉन एक्स से मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए उसको डिवाइड भी करना होगा, जो भी यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर से मीन्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, जो भी हाईएस्ट पावर है एक्स की उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इन शॉर्ट आपको। क्यों? क्योंकि आपको इस टाइप के फॉर्म में लाना है उस फंक्शन को, ये फंक्शन को। अब क्या करेंगे, ये सब दोनों को इंडिविजुअली इससे डिवाइड कर देंगे, तो हम इंडिविजुअली लिखते हैं, तो 15x by x minus 2 by x, ये था न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर दिस टर्म अपॉन x, तो 10x by x minus 1 अपॉन x, ओके। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये दोनों से x से डिवाइड की कर दिया, इन दोनों को भी x से डिवाइड कर दिया। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो लिख दो, तो ये x x कैंसिल, दैट मीन्स 15 माइनस ये क्या हुआ एज इट इज 2 बाई एक्स अपॉन, ये भी x x कैंसिल, तो बाकी बचा 10 और ये एज इट इज, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर 1 अपॉन x है और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो उसका आंसर होगा 0, ओके। तो 1 अपॉन x टाइप की टर्म आ गई, ये तो दोनों नंबर्स है तो इन दोनों को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली हम लिमिट इंडिविजुअली यहाँ पे लिख देते हैं फिर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 15 एज इट इज़ माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ये 2 बाई एक्स, जहाँ पे हमारा फंक्शन है ना वहाँ पे लिमिट लेके जाओ, ये भी 10 एज इट इज, यहाँ पे फंक्शन है तो ये लिमिट यहाँ पे लेके जाओ, ओके। अब आगे जो हमने रूल लिखा उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स तो वो क्या हो जाएगा 0, सॉरी, तो ये 15 एज इट इज नंबर है इसलिए, तो ये 2 इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, उसको लिमिट अप्लाई करो तो वो उसका आंसर 0, 10 माइनस 1 इंटू मीन्स 1 अपॉन एक्स, तो उसका आंसर भी ये ना लिखो तो भी चलेगा 0। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एक्स की लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वो होगी 0, ओके, ये ना लिखो तो चलेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 15 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, तो 15 अपॉन 10, इसका आंसर क्या आएगा, तो 3/2, क्योंकि 5 कॉमन है वो कैंसिल हो गया। अगर किसी का लिखना बाकी है तो और किसी को कुछ क्वेरी है तो बोलो। ओके, देखो ऐसी टर्म्स आपने ऑलरेडी, इस टाइप की टर्म्स है तो क्या करना है वो ऑलरेडी आपने देख लिया है, पर उसमें क्या था x टेंस टू 0। अब देखो चेंज यहाँ पे है कि ये x टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करना है, ये हमने जैसे आगे रूल देखा तो इसके टर्म में मीन्स 1 अपॉन एक्स के टर्म में हम इसको ये फंक्शन को सेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहले तो x के पावर्स देखो, जो भी हाईएस्ट पावर है उसके उससे उसको डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हाईएस्ट पावर है 1, x रेस टू 1 दोनों में, तो x से हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, इन शॉर्ट हमने 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इनको इंडिविजुअली यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 15x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रही हूँ कि ये क्या किया, 15x माइनस 2 अपॉन x, ये था न्यूमरेटर, ये इसको मैंने ऐसे लिखा, अपॉन अब डिनोमिनेटर को दिस अपॉन दिस, तो 10x माइनस 1 अपॉन x, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब क्या किया, दिस अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड किया। सिमिलरली 10x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, ये x दोनों कैंसिल होके क्या बचा, ये 15 और ये एज इट इज, सिमिलरली ये 10 और ये एज इट इज। अब देखो 15 और 10 में कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है नहीं, और यहाँ पे हमने जो रूल लिखा था कि 1 अपॉन x है उसकी लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी का आंसर होगा 0, तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई करते हैं। ये देखो समथिंग अपॉन x है, ये भी 1 अपॉन x है, तो हम यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो हमने जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे लिमिट लेके गए इंडिविजुअली, तो 15 एज इट इज माइनस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, सिमिलरली 10 एज इट इज माइनस करके लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, सिर्फ लिमिट यहाँ पे लेके गए और कुछ नहीं किया। अब 15 एज इट इज, अब इसका आंसर 1 अपॉन x का आंसर 0 होगा, 2 एज इट इज है ही, 10 एज इट इज, 1 अपॉन x का आंसर 0, बाकी क्या बचा 15 अपॉन 10, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए। अब इसमें कॉमन क्या है, तो 5 5 वो कैंसिल आउट होके आंसर होगा 3/2। गॉट इट नाउ? अभी जो जितने भी प्रेजेंट है वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस दे दो एट दिस मोमेंट ओनली। अभी जिनकी अटेंडेंस आएगी उनकी अटेंडेंस मैं कंसिडर करूँगी विद इन 20 सेकेंड, इमिडिएटली आपकी अटेंडेंस चैट में दे दो, उनकी अटेंडेंस मैं कंसिडर करूँगी। ओके गुड, ओके रितेश, इतनी देर क्यों लग रही है सबको? और खंजन, मैंने एक बार आपको इंस्ट्रक्शन दी, अब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे देनी है आपको अटेंडेंस। आगे के लेक्चर्स आपने अटेंड किए ही नहीं है तो एक बार पूछ लिया करो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी।
ऑलरेडी सब कैसे अटेंडेंस दे रहे हैं उनका फॉर्म भी आप देख सकते हो ना। ओके नाउ स्टॉप गिविंग द अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू जीरो, x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। ओके, जैसे कि मैंने आपको आगे बोला, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, जीरो होता तो क्या करते हम, तो पहले तो डायरेक्टली जीरो रख के देखते, वो जीरो बाय जीरो फॉर्म होता, फिर क्या करते हम इनको फैक्टराइज करते अगर जीरो बाय जीरो हो रहा है तो, और कॉमन फैक्टर जो भी है उनको हम मल्टीप्लाई सॉरी कैंसल आउट करते। पर यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफिकेशन देने के बाद मीन्स अगर कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल आउट करते हैं तो भी आंसर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही होगा। जैसे कि अभी आप ये इन्फिनिटी रखो तो जो भी उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही फॉर्म होगा। तो क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको आगे बोला कि पहले तो ऑब्जर्व करो कि एक्स का हाइएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, नीचे भी एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर वाली, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो वन अपॉन एक्स स्क्वायर से, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है इन शॉर्ट कि जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी है तो जो हाईएस्ट टर्म वाली हाईएस्ट पावर वाली जो x की टर्म है उससे एज ए न्यूमरेटर में वन अपॉन वो वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर दोनों में हाईएस्ट है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो हाईएस्ट कौन सी हुई, तो थ्री वाली एक्स रेस टू थ्री, तो एक्स रेस टू थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता जो भी हाईएस्ट वाली है उनसे। अब इंडिविजुअली ये डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर, ये था न्यूमरेटर। नाउ डिनोमिनेटर टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम है, कॉमन कैंसिल हो गए तो बाकी बचा वन, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होता है तो बाकी बचता है थ्री बाय एक्स, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं तो एज इट इज, अपन ये भी कॉमन है तो टू बाकी बचेगा, एक एक्स कैंसल आउट होके बचता है फोर अपॉन एक्स, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज। ओके, अब जैसे कि हमने बोला आगे कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और वन अपॉन एक्स है तो उसका आंसर क्या होगा, तो जीरो होगा, वो यहाँ पे लिखते हैं उसके हिसाब से। तो देखो हम जहाँ पे वो फंक्शन है ना वहाँ पे लिमिट लेके जाते हैं, तो वन माइनस यहाँ पे लिमिट लेके जा रहे हैं, इसको ऐसे लिखा थ्री अपॉन एक्स को लिमिट दे दी, प्लस यहाँ पे भी लिमिट दे देता है इंडिविजुअली, यहाँ पे भी सेम लिमिट दे देते हैं, ये फोर अपॉन एक्स एज इट इज, और इसको भी लिमिट टू अपॉन एक्स स्क्वायर को। अब समथिंग थ्री को साइड पे लिखते हैं, वन अपॉन एक्स बाकी बचता है तो उसकी लिमिट होगी जीरो, तो वन माइनस थ्री इंटू जीरो, प्लस यहाँ पे अगर वन अपॉन एक्स है तो जीरो होगा, तो उसका स्क्वायर होता है वो भी जीरो होगा, ठीक है, तो उसका आंसर टू साइड पे लिखते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका भी आंसर जीरो, सॉरी यहाँ पे सिमिलरली टू एज इट इज, वन अपॉन एक्स फोर को साइड पे रखो वन अपॉन एक्स, उसका आंसर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा के जीरो आंसर, प्लस
टू को साइड पे रखो, वन अपन एक्स स्क्वायर, अगेन मैंने यहाँ पे बोला कि वन अपन एक्स है तो उसका आंसर जीरो होगा, तो उसका स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही, तो ये भी जीरो, तो बाकी क्या बचा, ये जीरो जीरो, तो बाकी बचा वन हाफ। एक एक्स स्क्वायर कहाँ पे बचेगा, अगेन समझाती हूँ क्या किया, तो जो भी हाईएस्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर एक्स वाली, उससे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके इंडिविजुअली डिवाइड करो सबको, तो यहाँ पे वन बचता है, यहाँ पे थ्री बाय एक्स और ये एज इट इज, सिमिलरली यहाँ पे कैंसिल आउट होके टू बचता है, ये एक एक्स कैंसिल होके फोर बाय एक्स और ये एज इट इज। अब लिमिट यहाँ पे लेके जाते हैं हम, ये ठीक है, तो ये ऐसे सबको लिमिट दे दी इंडिविजुअली, ओके इंडिविजुअली सबको, ये चारों को लिमिट दे दी इंडिविजुअली। अब लिमिट यहाँ पे लगाते हैं तो ये वन अपॉन एक्स जीरो होगा थ्री एज इट इज, टू एज इट इज, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर लिमिट लगाते हैं तो वो जीरो, यहाँ पे फोर इसका आंसर जीरो और ये टू बाकी का आंसर जीरो, तो ये सब जीरो जीरो हो गया, तो आंसर बचा वन हाफ। जैनब कैंसल करियो तो अहिया टू अपन एक्स स्क्वायर ज आवशे ने, ओके कैन यू सेंड मी स्क्रीनशॉट और एनी पिक इन द ऑन द व्हाट्सएप। यस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वो टू बचा ना यहाँ पे, बाकी सब जो है वो लिख दो, ये और ये रीजन यहाँ पे, जैनब जो भी है हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है अभी के लिए लिख दो।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस वन 5x प्लस फोर 3x प्लस टू अपॉन 4x प्लस टू 3x माइनस वन एंड x प्लस वन सॉरी ओके अब देखो आगे हमने जो भी देखे एग्जांपल्स दो उसमें पॉलिनोमियल्स थी. अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स है तो अब अल्टीमेटली ये फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगी पॉलिनोमियल्स ही मिलेगी. ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा आएगा एक्स का न्यूमरेटर में तो ये अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये तीन टाइम एक्स पहली जो टर्म होगी वो एक्स क्यूब वाली होगी क्योंकि तीन एक्स है ओके और यहाँ पे भी सेम तीन फैक्टर है एक्स वाले तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब हाईएस्ट टर्म होगी या तो फिर एक्स की कितनी टर्म्स है तो तीन टर्म यहाँ पे भी एक्स की कितनी टर्म्स है तीन टर्म्स तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. क्यों क्योंकि हमें एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो वो हमें वन अपन एक्स वाली टर्म चाहिए तो एज इट इज पहले लिखो एज इट इज लिखते हैं और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उससे डिवाइड करो तो कितने x बने तीन तो x क्यूब से वन अपन x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. ठीक है अब देखो सब पे एक एक एक, एक, एक x दे दो क्यों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला है तो सबके इसके अपन x इसके अपन x इसके अपन x तीनों डिवाइड हो गए सबको तो ये क्या बचेगा तो ऐसे कैसे होगा ये. ठीक है एक x इसको दिया एक x इसको और एक x बाकी वाली तो ये था न्यूमरेटर ये इतना मैंने लिखा पहले. अब इन तीनों को एक एक x से डिवाइड कर दो मल्टीप्लीकेशन है ऐसे इसीलिए हम कर सकते हैं. अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी होता तो हम एक एक एक्स ऐसे इंडिविजुअली नहीं दे सकते तब थ्रू आउट सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ये आपको ध्यान में रखना है कंफ्यूज मत होना जैसे कि मैंने आपको आगे जस्ट अ मोमेंट हाँ देखो आगे वाली मैं टर्म आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो सभी टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऐसा कुछ नहीं है क्या है प्लस माइनस है तब ये पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को सबसे डिवाइड करना रहता है. ठीक है पूरी की पूरी टर्म को सबसे डिवाइड करना रहता है वेर एज अगर सब टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो हम एक एक एक्स इनको दे सकते हैं. आगे थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था यहाँ पे थ्रू आउट ऐसे इसके ओपन एक्स क्यूब इसके ओपन एक्स क्यूब ऐसे नहीं लिखते अगर जब ये सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये समझ में आ रहा है सबको. ठीक है तो हम इंडिविजुअली एक्स दे सकते हैं यहाँ पे क्यों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे फिर से कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं था ये देखो यहाँ पे क्या ऐसे सब्ट्रैक्शन एडिशन है तो थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना रहता है ऐसा नहीं कि इसको एक एक्स दे दिया बाकी का एक्स इसको दे दिया ऐसा हम नहीं कर सकते ये फर्क आपको समझना होगा. ओके तो हमने एक एक एक्स यहाँ पे दे दिया क्यों क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे भी सेम कि एक एक टर्म को एक्स से डिवाइड कर दो सो दैट सब पे एक एक एक्स डिवाइड हो जाए तो तीन एक्स मिल गए यहाँ पे. ओके अब यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स से डिवाइड कर लो तो ये क्या होगा एक्स बाय एक्स दैट इज वन माइनस वन अपॉन एक्स ये था फर्स्ट. नाउ सेकेंड टर्म फाइव एक्स अपॉन एक्स तो फाइव प्लस फोर अपॉन एक्स ये सेकेंड और ये थर्ड ब्रैकेट थ्री एक्स अपॉन एक्स दैट इज थ्री प्लस टू अपॉन एक्स ये समझ में आ रहा है सबको. ओके डिवाइडेड बाय सिमिलरली जो आगे ऊपर किया ऐसे सेम डिनोमिनेटर में करना है
इंडिविजुअली 4x अपॉन x, दैट इज 4 प्लस 2 अपॉन x. सिमिलरली 3x अपॉन x, तो 3 माइनस 1 अपॉन x. x बाय x 1 अपॉन x. ओके, अब लिमिट इंडिविजुअली अप्लाई करो. तो हमारा फंक्शन कहाँ पे है? तो यहाँ पे, तो वहाँ पे लिमिट लेके जाओ. ये फर्स्ट ब्रैकेट, नाउ सेकंड ब्रैकेट. ये थर्ड ब्रैकेट. इंडिविजुअली लिमिट दे रहे हैं. ये था न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर. ये लिमिट यहाँ पे लेके जाओ. तो 4 प्लस ये फर्स्ट, नाउ सेकंड, और ये थर्ड. ये आ रहा है समझ में सबको? सिर्फ मैंने जहाँ पे फंक्शंस है वहाँ पे लिमिट लेके गए, ऐसे लिखा है सब. सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में भी, ये यहाँ पे लिखा और ये यहाँ पे लिखा. ओके, अब कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये ऐसा होता है, ये रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे सब जगह पे. तो ये 1 माइनस क्या होगा? 0. सिमिलरली ये क्या होगा? 5 माइनस 4 इंटू 0. ये क्या होगा? 3 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन, ये क्या होगा? 4 प्लस 2 इंटू 0, 3 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0. ओके, ये क्या बचा? तो 1, ये 5, यहाँ पे 3, क्योंकि ये 0 0 0 तो कैंसिल निकल गए. ये भी 0 तो यहाँ पे बचा 4, ये भी 0 तो बचा 3 और ये 1. 3 कॉमन है, वो कैंसिल कर दो. तो आंसर 5/4. एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो. तो पहले से अगर लिखना बाकी है तो लिख दो. टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फटाफट से लिख दो सो दैट आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर सको.
ओके, जिनका हो गया है वो लोग लीव कर सकते हैं। Thank you, everyone.